Hello everyone, welcome back. Number 63 for UPSC prelims 2019 examination के लिए. देखिए इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टेस्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था. बेल आइकन को प्रेस रखना फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्यतः सुर्खियों में रहने वाली पनमून जोम घोषणा संबंधित है, किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से, संधारणीय विकास लक्ष्यों से, या डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य शिखर सम्मेलन से, या कोरियाई प्रायद्वीप की शांति समृद्धि और एक उसके एकीकरण से. तो देखिए सामान्यतः जो सुर्खियों में रहने वाली पन मून जोम घोषणा है वो कोरियाई प्रायद्वीप की शांति समृद्धि और एकीकरण से संबंधित है, ये करेक्ट हो जाएगा. तो देखिए उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच 2018 के अंतर कोरियाई शिखर सम्मेलन के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप की शांति समृद्धि और एकीकरण के लिए पन मून जोंग घोषणा को अपनाया गया. यह सम्मेलन संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र के दक्षिण कोरियाई भाग में स्थित पीस हाउस में आयोजित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में सहायता मिली है? नीति आयोग का गठन करने से, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 के बाद उच्चतम न्यायालय का निर्णय. तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से. भारतीय संघवाद को बढ़ावा देने में जो सहायता मिली है, देखिए एक तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और नीति आयोग के गठन से मिली है, तो पहला और दूसरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. यहाँ खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 से नहीं मिली है. तो नीति आयोग सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाने में संलग्न है ताकि भारत के तीव्र आर्थिक रूपांतरण की दिशा में केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में कार्य कर सके. 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु व सेवा कर को लागू किया गया है. और खड़क सिंह बनाम न्यायालय ने कहा है कि निजता के अधिकार में, जो निजता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के तहत प्रत्याभूत अधिकार नहीं है. तो ये थे तीनों के तीनों एक्सप्लेनेशन. खड़क सिंह बनाम केस, न्यायालय ने कह दिया कि निजता का अधिकार संविधान के तहत प्रत्याभूत अधिकार नहीं है, तो इसलिए इसमें संघवाद को बढ़ावा देने ने इसमें तो घटोत्तरी हो गई देखा जाए तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन प्रकरणों में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो. देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना क्या उसकी विवेकाधीन शक्ति है? राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित करना, विधानसभा के निर्वाचन में किसी भी दल को स्पष्ट अगर बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना. तो ये तो है, देखिए अगर राज्य में स्टेट के चुनावों में अगर जो बहुमत दल प्राप्त नहीं कर पाती है विधानसभा, तो यह राष्ट्र राज्य के राज्यपाल का स्वविवेक दायित्व है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करें अपने स्वविवेक से. और राष्ट्रपति के विचार हेतु कोई विधेयक को भी आरक्षित करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. दूसरा तीसरा हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना उसका स्वविवेक नहीं है, दूसरा तीसरा हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा. तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 राज्यपाल को कुछ विशिष्ट मामलों में विशेषाधिकार या विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है. छठी अनुसूची के तहत असम के राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर प्रतिवेदन देना, राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करना, ये सारे के सारे राज्य के राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार हैं, पढ़ लीजिए इनको. अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उसको लेनी होंगी? वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो, मतलब उसने हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो या एडवोकेट रहा हो 10 वर्ष तक, वह 30 साल से कम आयु का ना हो, मतलब 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो. देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भारत का मुख्य न्यायाधीश
मतलब किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई आयु सीमा की यहाँ आवश्यकता नहीं है। गलत है स्टेटमेंट, उसे राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवक्ता होना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो हाई कोर्ट के अंदर ही या तो आप 10 साल तक वकालत कर लो या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना उसमें 5 साल जज रह लो, तो केवल पहला सही है। यहाँ आयु सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति की राय में विधिवक्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अगर नियुक्त होना है किसी व्यक्ति को तो निम्नलिखित अर्हताएँ उसको होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, किसको? 7वीं अनुसूची को, गलत है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो एलिमिनेट कर दो, पहला नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, यह भारतीय संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है। देखिए एकात्मक स्वरूप कैसे प्रदान कर सकती है, 7वीं अनुसूची में तो 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है, एक तो राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो तीनों को अलग अलग पावर हैं, तो डिवीज़न ऑफ पावर हो रहा है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा पढ़ लेते हैं, इसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया, देखिए गलत है, कई 2-3 बार जिसमें संशोधन हो गया है, तो जो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट है, सारे के सारे कोई करेक्ट नहीं है, तो देखिए कोई भी सही नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विधायी विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य 3 शक्तियों में नामता है, मतलब दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मतलब एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता केवल एशियाई देशों तक सीमित है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के भी देश हैं इसमें, यह केवल एशिया में संचालित परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है, ये भी गलत है। देखिए अधिकतर जो केवल किंतु परंतु वाले जो स्टेटमेंट में शब्द आ जाते हैं वो अधिकतर गलत ही हो जाता है, 95% गलत होता है। इसकी वार्षिक बैठक सदैव संघाई में आयोजित की जाती है, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि सदैव संघाई में, गलत है, तो कोई भी नहीं है इनमें से करेक्ट। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जिसको बोला जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उससे बाहर सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करने के मिशन से संबंधित है, मतलब बाहर के देशों को भी शामिल करती है। तो एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की तीसरी बैठक 25 से 26 जून को हुई थी 2018 में और भारत में मुंबई में संपन्न हुई है, नाम याद रखना इसका। अगला प्रश्न है, राजभाषा प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उपस्थित है? राजभाषा के संबंधित, राजभाषा से संबंधित प्रकरणों पर राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु संसद की एक समिति का गठन, संसद के कार्य संचालन केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, देखिए गलत है, हिंदी भाषा में नहीं अंग्रेजी भाषा में होंगे, गलत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ केवल अंग्रेजी भाषा में होंगी, ये सही है। तो यहाँ तीसरा सही है और पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो देखिए अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के संबंध में संसद की एक समिति गठित की जाएगी, इसमें 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, टोटल हो गए 30, जिन्हें क्रमशः लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह सरकार का प्रमुख होता है, करेक्ट है, वास्तविक रियल हेड तो प्रधानमंत्री है ना, और जो नॉमिनल हेड कौन है, राष्ट्रपति है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पर धारण करता है, तो करेक्ट है ये भी।
भारत का प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पयंती पर ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। देखिए गलत है, भारत की संचित नीति पर भारत होते हैं राष्ट्रपति, इसमें उंगली नहीं कर सकते। तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा जिसमें उसको काट दो तो केवल एक और दो हो जाएगा। तो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी होता है, जबकि वास्तविक जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री ही होता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। नवा प्रश्न है, वन धन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन धन केंद्र, इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन की जा रही है। इसका उद्देश्य जनजातीय स्वयं सहायता समूहों को संधारणीय संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण और गैर कास्ट वनोत्पाद के मूल्य वर्धन के संदर्भ में या संबंध में प्रशिक्षित करना है। तो उपरोक्त कथनों में से बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए जहाँ भी वर्ड आपको दिख जाए ना, ये जनजातियों से संबंधित सहायता समूह की बात चल रही हो, या उनका प्राथमिक प्रसंस्करण हो रहा हो, या कास्ट वनोत्पाद हो रहा हो, संग्रहण हो रहा हो, तो उसमें जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं आएगा, वहाँ अधिकतर जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर ही आती है, मतलब जनजातीय मंत्रालय वहाँ कार्य करता है अधिकतर। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा। तो देखिए जून 2018 में सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की वन धन योजना के तहत देश भर में 30,000 स्वयं सहायता समूह को शामिल करके 3,000 वन धन केंद्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। इम्पोर्टेंट है ये वन धन योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना है। अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। क्या होती है न्यायिक, मतलब न्यायिक मतलब जुडिशियल, और समीक्षा करना मतलब रिव्यू करना, जैसे समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। तो जुडिशियल रिव्यू कौन कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है ना, मतलब न्यायिक समीक्षा, वो हाई कोर्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, मतलब दो न्यायालय हैं। हाई कोर्ट तो हर स्टेट में होता है लगभग, और सुप्रीम कोर्ट भारत के सेंट्रल में, केंद्र में, मतलब दिल्ली में स्थापित है, पूरे भारत का 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का यहाँ पर मतलब हो सकता है SDM कोर्ट से भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हो सकता है, मतलब जिला सत्र न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय के पास ये पावर नहीं है कि वो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कर सकें। जुडिशियल रिव्यू केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करते हैं। रिट जारी करने की भी शक्ति इन्हीं दोनों को ही प्राप्त है, इसलिए याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा डी। तो देखिए न्यायिक समीक्षा का आशय किसी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करने हेतु उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्ति से है। यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि कानून संविधान के प्रावधानों से असंगत है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है, असंगत है, तो इस प्रकार के कानून को असंवैधानिक ठहरा सकता है हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। और यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय के पास नहीं है, मतलब जिला सत्र न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं, सेशन कोर्ट के पास नहीं, SDM कोर्ट के पास नहीं, केवल और केवल हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये 10। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके विजिट कर लो, टाइम निकाल के सारे को सारो देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, रिविज़न करते रहिए।